अच्छा देखते हैं, क्योंकि कई सारी खामियां देखने को जरूर मिलती है। क्या निर्देश दिए? देखिए, FCI के गोडाउन में आज मैंने निरीक्षण किया और कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन सभी पास ऑन किए। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार का डाइवर्शन या पिलफरेज नहीं होना चाहिए, और इस संबंध में मैंने DSP को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि सभी जितने भी फायर फ्रेश शॉप वाले हैं जो यहाँ पे और जो दूसरे गोडाउन के जो लोग हैं यहाँ पे, तो उनको सब निर्देश हम पास ऑन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रिफरेज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी प्रिफरेज करेगा तो उसके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। बाकी यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल चेक किया है, क्वालिटी तो ठीक है, राइस की क्वालिटी अच्छी है, चीनी की भी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा वीट के क्वालिटी में जो है थोड़ा फ़र्क है, जो अच्छा माल भी है लेकिन जो थोड़ा डिलेड जो फार्मर से लिया है वो माल थोड़ा उसका जो है ख़राब है। और इस संबंध में मैंने फिर अभी फ़िलहाल आपको ये कहा है कि जो सप्लाई है, सप्लाई प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूसली हमारा सप्लाई होते रहना चाहिए, और मानसून के दृष्टिगत भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि जितना सप्लाई जितना हमें उठाना हो और उतना हम उठा लें, और जो शॉप्स हैं या दूसरे गोडाउन हैं उनको टाइमली पहुंचाएं ताकि जनता तक जो भी सप्लाई है टाइमली पहुंचाएं। सर, ये भी देखा गया है कि गोदाम में जो है कई सारी चीज़ें जो है, जो गेहूँ हो या चावल ख़राब पड़े हुए हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आ रहा है या कुछ इस तरीके से? देखिए, अब कुछ माल मैंने पाया है कि वो प्रॉपरली जो है काफ़ी पुराना है लेकिन उसका डिस्पोजल हुआ नहीं है, तो उसके संबंध में भी मैंने इंस्ट्रक्शंस पहुँचा किए हैं कि अपने मुख्यालय से आप लोग अनुमति लेके उसको तत्काल डिस्पोज कर दें, क्योंकि उसको अच्छे स्टॉक के साथ रखेंगे तो उसमें फंगस, ईस्ट, मोल्ड वगैरह जो है ग्रो करेगा, तो अच्छे स्टॉक को भी अफेक्ट करेगा। तो उसमें मैंने आपको निर्देश दे दिए हैं कि जो खराब स्टॉक है उसको इमीडिएटली डिस्पोज करना।